नमस्कार मित्रों, पहली वाली वीडियो में हमने सीखा था वर्णमाला और उस वर्णमाला को भी किस तरह से लिखते हैं। एक बार रिवीजन आपका करा दें, आपको बताया था ये चित्र, इस चित्र में इस रेखा को बोला था 180 डिग्री पर सरल रेखा जो कि बाएं से दाईं तरफ बनी है, इस रेखा को बोला था 60 डिग्री पर एक सरल रेखा जो कि ऊपर से नीचे की तरफ बनती है, तीसरी रेखा का नाम है 90 डिग्री पर सरल रेखा जो कि ऊपर से नीचे की तरफ बनी, इसको बोला था 120 डिग्री पर सरल रेखा जो ऊपर से नीचे बनी। इन चारों रेखाओं को चार वर्गों में दिया था, इसको कै वर्ग को, इसको चै वर्ग को, इसको टै वर्ग को और इसको पै वर्ग को। प्रत्येक वर्ग की पहली व्यंजन की रेखा सिंपल थी, उसी वर्ग में दूसरे व्यंजन के लिए वही रेखा कट हुई थी और तीसरे व्यंजन के लिए डार्क और चौथे व्यंजन के लिए डार्क होने के बाद कट गई थी, इतनी थी। उसके बाद एक वर्ग बचा था आपका तय वर्ग, जिसको हमने एक्सप्लेन किया था तरबूज से। ऐसा किताब में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये तरबूज है या कौन सा क्या है, ये आपको सिर्फ याद करने के तरीके हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है हमारे इस तरीके को देख करके बाकी के यूट्यूबर या और भी जो लोग शॉर्ट हैंड पढ़ाते हैं वो हमारे इस तरीके को याद कर लें और आगे से इसी तरह से पढ़ाएं। तरीका हमारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि बच्चे के दिमाग में बैठे और वो चीज़ों को जल्दी से याद कर सके। तरबूज में भी हमने आपको बताया था, तरबूज होता है गोल, घर पे जब लेके आओगे तो उसको क्या करना है, उसको कट करना है, तभी तो आप उसको खाओगे। तो ये कट किया था, इसमें एक टुकड़ा इसका ये था और एक ये था, ये पूरा तय वर्ग था। ध्यान देने वाली ये बात थी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ बना था। उसके बाद इसी व्रत को फिर से लिया था हमने और इसको 180 डिग्री पर कट किया था। ऊपर वाला व्रत आपका मैं था और नीचे वाला व्रत ने था, लेकिन यदि मैं को काट कर रहे थे तो ने बना और ने को कट करने पर आपका मैं बना था। इसी व्रत को फिर से हमने बड़ा करके लिया था, माने तरबूज जो घर में आया इस बार बड़ा आया, तो टुकड़े जाहिर सी बात है चार करने पड़ेंगे, ये वाला ले, ये रे और ये से दोनों। इसके बाद वह बना था, तो कैसे बनाया था, ऐसे और ये डंडा, क्या बताया था, ये इसको पलट दिया था तो ये बना, मुंह बंद करके बनाया तो है बना, इसी है को कट किया था तो ढह ढक्कन बना था, इतना आपको याद होगा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इन व्यंजनों को जोड़ना कैसे है। तो देखिए, किताब के अनुसार यदि जाएं तो उसमें बहुत सारे नियम हैं, यदि नियम से पढ़ाया जाए तो हो सकता है आप शॉर्ट हैंड ना करें। हम आपको नियम से नहीं, प्रैक्टिकली बताएंगे। किताब में व्यंजनों को जोड़ने के तमाम नियम हैं, हम उन सबसे आपको छुटकारा दिलाते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि किस व्यंजन को किस तरह से जोड़ना है। देखिए, इस व्यंजन को हमने पढ़ा था, ये था आपका के और ये आपका बनता है मैं। आपको व्यंजन की दिशा जरूर याद होनी चाहिए, उसकी दिशा अगर आप भटक गए तो फिर आप सब्जेक्ट नहीं सीख पाएंगे। इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो पहली बात तो आप ये अच्छी तरह समझ लो कि व्यंजन को जोड़ने का जो मूल नियम है वो यह है कि एक व्यंजन जहां से शुरू होगा दूसरा व्यंजन वहीं से शुरू होगा, पहला व्यंजन जहां समाप्त दूसरा वहीं से शुरू, एक व्यंजन जहां समाप्त होगा दूसरा व्यंजन वहीं से शुरू हो जाएगा। जैसे ये कै बनाया मैंने, मुझे पता इधर से इधर बनता है और उसके बाद मैं भी इधर से इधर बनता है। अब इन दोनों को मिलाकर पढ़ लो, क्या पढ़ा जाएगा, ये कै और ये मैं। या फिर मैंने कै बनाया और पेंसिल उठाए बिना मैंने ले बना दिया, क्या हो जाएगा, कै और ले। ऐसे ही ले नीचे की तरफ भी बनता है तो ले ऐसे भी बन सकता है। अब देखिए इनको जोड़ना कैसे, एक ही बात याद रखनी है कि एक व्यंजन, पहला व्यंजन जहां समाप्त होगा दूसरा व्यंजन वहीं से शुरू होगा, ये आपको याद रखना है। जैसे लिखना है हमें कह रे कर, कह में कम, मैं तमत, सै पे सप, घैर घर, पैर पर, रैत रथ, घैर घर, कैटकट, मैटे मठ, गैर घर, मैं नमन, ने मैं के नमक, झै ले के झलक, सै फैर सफर और कै है रे कहर। देखिए
जैसे कैरे कर लिखना है, ये लाइन है आपकी काफी की, जो लाइन कॉपियों में दी होती है, आपके पैड की लाइन है। किस तरह से लिखना है, हम जिस लाइन में लिख रहे हैं उसी लाइन में हमें लिखते हुए चलना है। जैसे हम कै में बात करें कैरेक्टर की, तो देखिए कै बनाइए और रे। यदि मुझे रे नीचे की तरफ बनाना है तो कै ऊपर बनाऊंगा और रे नीचे। लेकिन वेस्ट ये है, ये नहीं, इस कै में कम को लिखना है तो कै बनाना और ये मैं। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कै और ये मैं, क्योंकि ने को जब काटा जाता है तो क्या बनता है, मैं। ऐसे ही मैं तय मत लिखना है, तो देखिए तय नीचे की तरफ जाता है तो मैं को बनाना है ऊपर और तय को बनाना है ऐसे, मैं तय मत। अब इसको किसी भी तरह से लिख दो, आप ऐसे बना करके ऐसे लिख दो, इसको काटना पड़ेगा। फिर से पे सब लिखना है तो आपने देखा से ऐसे बनता है और ये पे, आप ऐसे भी बना सकते हैं से और ये पे। घर घर लिखना है तो घ और ये रे, पैर पर लिखना है तो पे ये और रे ये। अच्छा पे और रे ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि दूसरी लाइन में आ जाएंगे। हमें कोशिश ये करनी है, सबसे पहली बात तो व्यंजन स्पष्ट होना चाहिए, कौन सा व्यंजन कहाँ समाप्त हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, पहला व्यंजन यहाँ समाप्त तो दूसरा शुरू, स्पष्ट होना चाहिए। इसमें दूसरी लाइन में पहुँच रहे हैं इसलिए इसको नहीं बनाना। बना सकते हैं आप, रे ते रत लिखना है तो रे ऊपर बनाइए और तय ये। दूसरी चीज रे ऐसे बना करके ऐसे भी तय बना सकते हैं, लेकिन ये दूसरी लाइन में पहुँच जाएगा। ठीक, एक बात जो मुख्य आपको याद रखनी है व्यंजन बनाते समय, जोड़ते समय, वो यह बात है कि प्रत्येक व्यंजन सेम लंबाई का हो, ऐसा ना हो कि आपने रे इतना बड़ा बनाया तय इतना बड़ा। प्रत्येक व्यंजन की औसतन लंबाई बराबर होनी चाहिए, जैसे घर घर लिखना है तो घ और ये रे। ऐसी कैटेकट लिखना है तो आपने देखो तय किधर को आता है, नीचे की तरफ, तो कै को कहाँ बनाना है, ऊपर, और टय बनाना है नीचे। ऐसी मैटे मट लिखना है तो मैं ऊपर बनाओ और टय, इसमें भी सही रहेगा ये मैं और ये टय मट। ऐसी गैर अगर लिखना तो गै ये रे ये, मैं नमन लिखना तो मैं ये और न ये, न मैं का नमक लिखना है तो न मैं और ये कै। झलक लिखना है तो झ बनाओ ल बनाओ और कै बनाओ, झ को काट दो। सफर लिखना है तो से बनाइए फ बनाइए रे सफर। कहर लिखना है तो कै बनाइए और है ऊपर को ले जाइए रे। मैंने बताया था अभी आपको कि प्रत्येक व्यंजन की औसतन लंबाई बराबर होनी चाहिए। देखिए ये कै, क्या ये है बनाया, तो इसकी लंबाई दुगनी है, दुगनी है तो इसका मतलब इसमें दो व्यंजन है, इतना है और ऊपर को रे, इसलिए ये लिखा जाता है कहर कहर। सीधी सी बात है कि प्रत्येक व्यंजन को जोड़ने का नियम यही है कि आप उसको पहला व्यंजन जहां समाप्त तो दूसरा व्यंजन वहीं से शुरू। ठीक है, और देखिए आपको इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है, जैसे आपको लिखना है हलचल, इसे लिखना है मनचल, इसे लिखना है शहर लिखना है बहन लिखना है वतन लिखना है सदन लिखना है सफल लिखना है गहन लिखना है पतन लिखना है सजन लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, हलचल लिखना है, काफ़ी बड़ा व्यंजन है, तो देखिए है बनाइए ऊपर से नीचे और ले बनाइए, उसके बाद पेंसिल यहीं रहनी है, फिर चै बनाइए और ले बनाइए, एक ही रेखा में आ गया। मनचल लिखना है तो मैं बनाइए न बनाइए चै और ये ले, ले नीचे की तरफ भी आ सकता था लेकिन हमने ऊपर की तरफ बनाया। कहर लिखना है तो कै बनाइए है और ये रे। शहर लिखना है तो से बनाइए ऐसे है और ऐसे रे, या फिर से इधर वाला बनाइए है और रे। बहन लिखना है तो बे बनाइए है बनाइए और ये न। वतन लिखना है तो बे बनाइए ते बनाइए और ये न, इसको काट दीजिए। सदन लिखना है से बनाइए दे बनाइए और ये न। ठीक, सफल लिखना है तो से बनाइए फे बनाइए और ये ल। गहन लिखना है तो गे बनाइए है और ये न। पतन लिखना है तो पे ते और ये न। सजन लिखना है तो से जय और ये न। प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक व्यंजन स्पष्ट होना चाहिए, ये बे उसके बाद है और ये न। ठीक है, ये आपको बिल्कुल साफ और सही से नजर आना चाहिए। यदि व्यंजन साफ नजर नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत है। देखिए इसको पढ़िए, पहले क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है ले, उसके बाद क्या लिखा हुआ है चै, और उसके बाद ले। ऐसे इसको बनाइए, पहले ये क्या है मैं, उसके बाद ये क्या है न, उसके बाद क्या है चै, और उसके बाद ले।
ऐसे ही ये लिखा हुआ है कै, उसके बाद लिखा हुआ है, और है को बड़ा बना रखा है इसलिए इसमें रे भी है। इसको देखिए, पहले लिखा हुआ है सह, स, उसके बाद ये है और उसके बाद रे। ऐसे ये लिखा हुआ है बै, उसके बाद लिखा हुआ है उसके बाद लिखा हुआ है न। इसको देखिए, पहले लिखा हुआ वह, उसके बाद लिखा हुआ तय, और उसके बाद मैं को काटा है तो बना है न। ऐसे ये लिखा हुआ है स, उसके बाद लिखा है द, और उसके बाद ये लिखा है न, मैं को काट के न, सदन। ऐसे ये लिखा हुआ है स, उसके बाद ये फ है, और उसके बाद ये ल है, ठीक। उसके बाद ये लिखा हुआ है क, उसके बाद लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है न। उसके बाद ये लिखा हुआ है प, उसके बाद ये लिखा है तय, और उसके बाद लिखा हुआ है न। इसके बाद ये लिखा हुआ है स, ये है जय, और ये है न। एक बात जो आपको परेशान कर रही होगी, वो बात सबसे ज़्यादा परेशान आपको करेगी डार्क और हल्के में। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना इसमें, सीधी सी बात है। यदि ये मैंने लिखा है तो ये दो व्यंजन है, कै या फिर गे, तो ये दो चीज़ लिखी हुई है, या तो कै में कम लिखा है या गे में गम लिखा है। जब सेंटेंस आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस में कम फिट हो रहा है या गल, गे में गम, दोनों में से कोई एक फिट होगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। यदि कोई परेशानी आए, इससे आगे वाली वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे कि कैसे करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।